क्राइम ब्रांच इंदौर की टीम को सूचना मिली थी कि थाना एरोड्रम में कुछ व्यक्ति बिना नंबर की बाइकों से TCS कंपनी के पीछे बाउंड्री वॉल के पास हथियार लेकर बैठे हैं। इस सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम के द्वारा थाना प्रभारी एरोड्रम को सूचित करते हुए थाना एरोड्रम पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए मुखबिर के बताए स्थान पर क्राइम ब्रांच की कई टीमों द्वारा कुल 5 व्यक्तियों को पकड़ा गया। आरोपियों के पास एक लोहे की हथौड़ी, लोहे का एंगल, लोहे का बड़ा पाना, लोहे की चपटी छेनी एवं लोहे की दराते जब्त किए गए, जो कि चोरी करने के इरादे से लेकर आए थे। आरोपियों के पास से 2 मोटरसाइकिल भी जब्त की है, साथ ही एक ओप्पो कंपनी का मोबाइल भी जब्त किया गया है। उक्त घटनाक्रम के संबंध में थाना एरोड्रम में अपराध मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। पुलिस के अनुसार अपराधियों पर शहर के अन्य थानों में मामले दर्ज हैं। पुलिस उम्मीद करती है कि पूछताछ के दौरान अन्य आपराधिक घटनाओं का भी खुलासा हो सकता है। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में कल रात में इंदौर क्राइम ब्रांच को सूचना मिली कि TCS कंपनी के पीछे कुछ व्यक्ति इकट्ठे होकर कुछ योजना बना रहे हैं। उक्त सूचना पर थाना एरोड्रम की टीम एवं क्राइम ब्रांच की टीम संयुक्त टीम द्वारा TCS के पीछे जाकर घेराबंदी की जाकर पकड़ा तो 5 व्यक्ति मिले, जिनके पास मौके पर 2 मोटरसाइकिल और 2 मोबाइल उनसे जब्त हुए तथा सभी के पास ऐसे सामान था जिससे किसी भी घर में नकबजनी, चोरी, लूट या कोई भी गंभीर घटना कारित की जा सकती है। इस टाइप के उनके पास हथियार मिले। प्रारंभिक पूछताछ में वहाँ पर उनके खिलाफ चूँकि 5 लोग थे तो चोरी की उनके खिलाफ वहीं मौके पर जब्ती गिरफ्तारी की जाकर लाए गए। बाद में पूछताछ में ये पता चला कि उनके द्वारा थाना एरोड्रम में एक चेन स्नेचिंग की थी, GRP में एक चेन स्नेचिंग की थी, थाना परदेसीपुरा और बिरला उज्जैन के 2 थानों में मोटरसाइकिलें चुराई थी। इसके अलावा भी इनके से जो 2 मोबाइल बरामद किए वो भी इनके द्वारा स्नेचिंग किए गए थे। अन्य इनके द्वारा और ऐसी 4 घटनाएं बताई गई है। इस प्रकार कुल 10 घटनाएं इनके द्वारा बताई गई है जो इनसे माल बरामद हुआ है। नहीं, 5 आरोपी गिरफ्तार किए, इसमें 2 आरोपी भागीरथपुरा के, 2 आरोपी जवाहर टेकरी की तथा 1 आरोपी मऊ का रहने वाला है। इस प्रकार 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड कर